देखो गाइज, इसने कितना बखेरा फैलाया। मैंने प्रेस के लिए निकाले थे सूट, और इन्हें फिर से क्या, देखो कहाँ से किचन में से सारे बर्तन निकाल के लाए। अब उठा के रखो सारे, जल्दी रखो, जब भी जाओगे आप नीचे ये उठा के रखो, ये इस बॉक्स में रखो, जल्दी बेटा, फिर भैया आएगा, भैया आने वाला है, चलो जल्दी, फिर मम्मा रोटी बनाएंगी, रोटी खाओगे ना। रखो इसमें, ऐसे रखो रखो, जल्दी, खाते नहीं है, नहीं बैड बॉय खाते हैं, बैड बॉय होते जो, आप तो गुड बॉय हो ना, रखो, सुन रहे हो, इधर देखो, रखो इसमें, वो भी रखो, सब रखो, ये रहा बेटा, ये रहा, ये सारा सामान, ये सब सामान इसमें रखो, उठा के रखो, वहां से लो, लाओ उठा उठा के सारा, भाई मैं अकेले जा रही हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ, रहने यहाँ पे अकेले रहूँगा। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं एक और ब्लॉग स्टार्ट, और टाइम हो रहा है, ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, एक पूरे करेक्ट एक बज रहे हैं आफ्टरनून के, और ये देखिए मैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ इसे, छोटे वाला जो मेरा लड़का ना, उसे देख लो, आज पता नहीं इसको क्या हो रहा है, बार बार ना रोने लग रहा है अपने आप ही, और रोता है तो फिर इसको नींद आ जाती है, तो बस अब ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है फिर से, इसलिए मैं इसको लेकर ऊपर आई हूँ। और फिर देखो मेरे को करने हैं, ये देखो पीछे दिख रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे सूट है ना ये प्रेस करने हैं, तो जब ये सोएगा तो मैं प्रेस करूँगी। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, माँ नहीं सुन रही, नहीं सुन रही माँ, नहीं सुन रही माँ, नहीं सुन रही, ओ माँ नहीं सुन रही, माँ कह रही है सो जाओ बेटा, आज हम नीनी करेंगे, नीनी करोगे, माँ अब शाम को मिलेगी, आज ये ना मम्मी को आवाज लगा रहा है, मतलब अभी ना इसको इतना आता नहीं ना बोलना, तो बस ये माँ माँ करता है सबको, माँ बा पा पापा तो बोलता है, पापा बुआ भी, बुआ बुआ ऐसे करता है, अपनी मर्जी से बोलता है मतलब, तो ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है, थोड़े थोड़े देखो कैसे करता है। अच्छा ठीक है, चलो आप इसके, ये यहाँ ना इसके जैम लग रहा है, और यहाँ इसकी दवाई लग रही है, ये सुनता नहीं है, ये देखो अब कहाँ चल, देखो ये मेरे पैरों पे चढ़ कर जब आ रहा, चलो आ जाओ, अच्छा आ जाओ, आ जाओ मामा, माँ माँ देखो इसकी स्माइल। तो चलिए गाइस, मैंने इसको सुलाकर जवाब शाम को मिलूंगे वापस। अब मैं किसके साथ हूँ, अब आप ये देख लीजिए, अब मैं समीक्षा के साथ हूँ, तो बस ये ऊपर आया, आज से इसको थोड़ा सा रूटीन बनाने की कोशिश हो रही है कि आज से थोड़ा इस टाइम लेकर इसको मैं बैठ जा करूँगी, अभी तो 5 बज चुके हैं, मैं सोच रही हूँ इसको 4 बजे से लेकर बैठा करूँ, क्योंकि मैं अब सोने लग रही हूँ, मैं जान लगातार 3 दिन हो गए मेरे को सोते हुए, तो बस अभी थोड़ा ये सोने का काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे की पढ़ाई रह जाएगी, तो बस कल से इसको 4 बजे लेके बैठा करूँगी, 4 या 4:30 बजे ऐसे लेके बैठ जा करूँगी मैं। तो ये लिया है देखो, मैंने इसकी बुक भी मंगा ली, अब इसको पढ़ाऊँगी, चाय ये पी चुका है, चाय पी रहा था, देखो मूंछ बन गई है समीक्षा को, हाय कर दो, बोलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, दिखा दो अपनी बुक, दिखा दो सीधी सीधी है? उल्टी है देखो, ऊपर नीचे हो गया ऐसा, तो देखो अभी समिक्स पढ़ेगा, ये इसकी बुक्स, तो अब इसको पढ़ाऊंगी बस, फिर और काम करूंगी।
किचन वगैरह का पहले इसको करती हूँ। और ये देखो इधर मेरे अभी तक कपड़े भी प्रेस नहीं हुए, वो रखे। ये अभी ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा है, बस उठाऊंगी बस, अभी छोटे वाले को नीचे छोड़ आई हूँ। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है? बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी है, तो गाइस मैं मिल रही हूँ आपसे अब। इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6:20 हो रहा है, समिक्स भी पढ़ के जा चुका था। तो बस मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, फिर मैं कपड़े छोड़कर खाना रखे हैं बनने के लिए। दाल चावल बनेंगे और रोटियां बनेंगी, तो काली मसूर की दाल बन रही है, वो मैंने चढ़ा दी है गैस पे कुकर में। तो चावल का भी पानी रख दिया है, जब वो बॉयल हो जाएगा तो उसमें भी चावल डाल दूंगी। तो बस अभी तक तो ये है। अब एक और बात आ रहा है, हाँ, समिक्स हमारा इतना समझदार हो गया, मतलब अब पढ़ लेता है, जिद नहीं करता ज्यादा। पहले ना जिद करता था कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले ऐसे करता था, बट अब नहीं करता बिल्कुल भी। अब तो आराम से पढ़ लेता है अपने आप ही, बल्कि और बोलता है कि इस बुक में से ही पढ़ाओ, इस बुक में से ही पढ़ाओ, ऐसे करता है। तो अभी मतलब अभी टेक्स्टबुक बस उसको ऐसे ही वो पढ़ता रहे। तो जी बस अभी तक तो यही अपडेट है। और मैं खाना बना रही हूँ, टाइम अभी पता लग गया आपको, बस अभी मेरे को पैक लगाना है फेस पे, एंड पूजा भी करनी है, और जो बाकी के कपड़े रखे हुए हैं बचे हुए सूट मेरे, इन्हें भी प्रेस करना है। तो बस जी मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस देखिए रोटियाँ बन चुकी हैं, और समीक्ष के पापा आज थोड़ा लेट आएंगे, तो बस मैं ये किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। नीचे मम्मी तीन जने खाना खा चुके हैं बस अभी फैमिली में, तो बस मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और किचन क्लीन कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, फिर दोनों बच्चों को लूँगी। क्योंकि मैंने ना देखो दिखाती हूँ आपको एक चीज़, ये देखो मैंने ना जीने की ना लाइट्स ऑफ कर रखी है उन्हीं की वजह से, नहीं तो ना वो आ जाते हैं दोनों बार बार ऊपर आते हैं, फिर गिरने का डर होता है छोटे वाले का, तो इसी। तो गाइस देखिए किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है। गाइस देख मैं रूम में आई ना, तो रूम में भी देखो कैसे बखेरा करके जा रखा है बड़े वाला, अब उसको भी समझता। बस काम सारा हो चुका है, हस्बैंड अभी आए नहीं है बट वो भी आज आने वाले ही हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, क्योंकि कल को है थर्सडे, तो कल को हेयर वॉश नहीं हो सकता, और कल से मेरा फास्ट भी है सावन के, कल से मंथ स्टार्ट हो रहा है सावन का, तो कल से फास्ट है, पूरे मंथ के फास्ट रखती हूँ मैं, पहली बार फर्स्ट टाइम रख रही हूँ, तो देखते हैं रखे जाते हैं रखते हैं। तो बस इसीलिए अब हेयर वॉश करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे आगे। तो गाइज हेयर वॉश भी मैं कर ही आई हूँ, और देखिए शायद आज समीक्ष के पापा ना समीक्ष का बैग भी लेकर आए, क्योंकि जो बैग है ना देखो मैं दिखाती हूँ आपको, जो लेकर जाता है देखिए ये वाला, ये छोटा पड़ता है अब, क्योंकि अब कल का जो सिलेबस है ना इसका समीक्ष का, तो उसमें कल सारी बुक्स जानी है, तो उस हिसाब से ये बहुत छोटा पड़ रहा है, 7 बुक्स है तो भाई छोटा तो पड़ेगा, तो इसीलिए अब उसके लिए नया बैग मंगाया बड़े वाला। तो कल आज वो भी आ जाएगा बैग, तो जब उसमें सारी बुक्स वगैरह रख दूंगी मैं, नोटबुक वगैरह डायरी इसकी, और इसने एक इसका आईडी कार्ड था वो अभी टेम्परेली मिला हुआ है, इसको स्कूल से टेम्परेली इशू किया हुआ है, अभी वैसा नहीं बना इसका परमानेंट वाला। तो इसने क्या करा है पता नहीं, इसने करा है कैसे करा, खेल में हुआ है, उस पे से फोटो ही हट गई, और उसमें से भी निकाल दिया, इसने जो कार्ड के लिए कवर आता है उसमें से भी निकाल दिया, और तो देखो कितना तेज है, होशियार भी कितना ही है कि कार्ड भी रख दिया उठा के, वो कवर भी रख लिया उठा के, अलग अलग जगह पर रख दिया पर बैग में, और टिफिन में रख दिया अपनी फोटो पासपोर्ट वाली। तो बस अब वो भी चिपकानी है, वो भी अभी मैं नीचे से लेकर आऊंगी, तो बस सारा सामान भी लेकर आती हूँ फिर जाकर कर। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और